Today we will continue a new lesson, and the name of the lesson is The Muddle Head from Petrushki. So first of all, understand what is the meaning of muddle head. Muddle head means confused, ना समझ, जिसको कुछ पता ना चलता हो, उसको हम लोग क्या कह सकते, कम समझ या ना समझ जिसको कहते हैं. तो कह रहा है कि द मडल हेड फ्रॉम पेटुस्की, मतलब एक वैसा व्यक्ति जो ना समझ है, जिसको समझ बहुत कम है, और वो कहाँ का रहने वाला है, पेटुस्की. पेटुस्की जो है एक शहर का नाम है, और ये पेटुस्की शहर जो है वो कहाँ है, तो ये पेटुस्की शहर जो है वो रसिया में है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. Read a humorous account of a muddle-headed man who does strange things and is confused both in word and deed. अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, एक humorous मतलब होता है काफ़ी हास्यास्पद, हंसने लायक, जो मजाक किया हो, कि एक बहुत ही humorous poem दिया गया है, उसको पढ़िए, जिसमें क्या, एक muddle-headed man है जो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करता है, और वो confused है. वो जो वो बोलता है और जो वो करता है, इन दोनों चीज़ों में लेकर के वो क्या है, confused है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेटुस्की एज मडल हेडेड एज कुड बी. अब कह रहा है जो राइटर है, वो कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति को जानते हैं जो कहाँ का है, पेटुस्की का है, और वो क्या है, एक मडल हेडेड है, मतलब जितना ना समझ होना चाहिए ना, उससे भी वो मतलब ज्यादा ना समझ है. ही ऑलवेज गॉट मिक्सड अप विद क्लॉथ्स, ही वर हिज मिटेंस ऑन हिज टोज, फॉरगेट हिज कॉलर इन हिज हैस्ट, एंड Tied his tie around his waist. आगे जो है वो क्या बता रहे हैं राइटर, कि वो जो है ना, वो हमेशा जो है अपने कपड़ों को लेकर के उलझा रहता है. मिटन्स मतलब क्या होता है, दस्ताना होता है. वैसे दस्ताने जो चार फिंगर के लिए जो होता है ना, उसके छेद अलग हों, और जो अंगूठा वाला है उसके छेद अलग हों, वैसे दस्ताना को हम लोग क्या कहते हैं, मिटन्स कहते हैं. तो कह रहा है ना कि वो मिटन्स को लेकर के क्या है, कन्फ्यूज्ड है, मतलब वो अपने कपड़े को लेकर के हमेशा कन्फ्यूज रहता है. He wore his mittens on his toes. Mittens, जो कि दस्ताना हाथों में पहनना चाहिए, ये कहाँ पहन लेता है, तो पैरों में पहन लेता है. अगर थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा सकते, ये देखो, यू कैन सी है कि ये जो है ना, ये हाथों में पहनने के लिए है, और इसने इसको क्या किया, अपने पैरों में पहन लिया है. तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि he wore his mittens on his toes, forgot his collar in his haste, and tied his tie around his waist. कह रहा है कि ये जो मडल हेडेड है ना, वो जल्दी जल्दी में क्या करता है, अपना कॉलर भूल जाता है, और जो टाई है उसको कॉलर में बांधने के बजाय वो कहाँ बांध लेता है, तो कमर में बांध लेता है. आप देख सकते हो कि हाँ, उसने क्या किया, अपने कमर में ये क्या किया, उसने टाई बांध लिया है, क्योंकि वो कपड़ों को लेकर के कन्फ्यूज्ड है. वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, उसको पता ही नहीं है कि कपड़े कहाँ पहने जाते, किस कपड़े को कहाँ पहनना चाहिए. वाट अ मडल हेडेड वॉज ही दैट मैन हु लिव्ड इन पेटुस्की. अब वहाँ पे हम लोग को ये फिर कहा जा रहा है कि कितना मडल हेडेड था, कितना नासमझ था वो, और वो कहाँ का रहने वाला था, तो पेटुस्की का रहने वाला था. दे टोल्ड हिम एज ही वेंट अबाउट, यू हैव गॉट योर कोट एंड इनसाइड आउट, एंड व्हेन दे सॉ हिज हैट, दे सेड यू हैव पुट अ सॉसपैन ऑन योर हेड. अब कह रहा है कि जैसे ही वो इतना सारा ड्रेसअप लेकर के गलियों में निकलता है, रास्ते में निकलता है, तो जो लोग हैं उसको बोलते हैं कि तुमने क्या किया है ना, अपना जो कोट है उसको इनसाइड आउट करके पहना है. इनसाइड आउट कहने का मतलब होता है, आप लोगों से भी कई बार बहुत जल्दी जल्दी में गलती हो जाता होगा स्कूल के समय रेडी होते समय, कि शर्ट को आपको सीधा पहनना चाहिए, तो आप क्या करते हो ना, शर्ट को उल्टा पहन लेते हो. और कभी कभी तो आप लोगों में से किसी ने क्या किया होगा ना, टी शर्ट को उल्टा पहन के और पूरा जो है ना गली घूम के भी आ गए होंगे. इन द सेम वे जो ये मडल हेडेड मैन है ना, वो भी क्या किया है, उसने जो कोट है उसको क्या कर लिया, वो उल्टा पहन लिया है. एंड वेन दे सॉ हिज कोट दे सेड, और जब लोगों ने सॉरी एंड वेन दे सॉ हिज हैट दे सेड, पहले तो उन लोगों ने क्या बताया कि तुम जो कोट है उसको उल्टा पहन लिया, और फिर जब वहाँ के लोगों ने ये देखा उसको, तो उन्होंने जब इसके हैट को देखा, आप भी देख सकते हो इसके हैट को, बड़ा काफ़ी स्ट्रेंज हैट है इसका, तो जब इसके हैट को देखा तो उन लोगों ने क्या कहा कि यू हैव पुट अ सॉस पैन ऑन योर हेड, कि तुम क्या किया है ना, अपने सिर पे सॉस पैन पहन लिया. अब सॉस पैन क्या होता है, आप अक्सर जो है सॉस पैन में हमारे यहाँ जो है क्या बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है, बट बेसिकली जो सॉस पैन होता है ना, उसमें सॉस को बनाया जाता है, सूप वगैरह को बनाया जाता है, बट जो भी है, जो सॉस पैन है उसने क्या किया है, अपने सिर पे टोपी समझ के पहन ली. अब सोचो सॉस पैन को कौन टोपी पहन के, तो कौन टोपी समझ के पहनेगा, आप लोग में से तो कोई नहीं करोगे, लेकिन ये मडल हेडेड मैन क्या करता है, इसको टोपी समझ करके, और ये देखो अपने सिर पे ये सॉस पैन पहन लिया. व्हाट अ मडल हेडेड वाज ही, फिर से कहा जा रहा है कि कितना वो नासमझ था, कितना वो बेवकूफ था. दैट मैन हु लिव्ड इन पेटुस्की, और ये कहां का रहने वाला था, पेटुस्की का रहने वाला था. एट लंच ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हेड.
अब कह रहा है कि जब लंच का समय हुआ तो इसने क्या किया ना, एक पीस ऑफ ब्रेड को स्क्रैच किया, स्क्रैच मतलब खुरेचना होता है, मतलब निकाला और उस पर बटर लगा रहा था। किस बटर किस पे लगाया जाता है? ऑब्वियसली ब्रेड पे लगाया जाता है, लेकिन उसने बटर क्या किया, अपने सिर पे लगा लिया। बटर लगाना कहाँ चाहिए था उसको? ब्रेड पे। लगाया कहाँ? सिर पे। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वो कन्फ्यूज है, कितना ज्यादा वो ना समझ है, बेवकूफ है। ही पुट हिज वॉकिंग स्टिक टू बेड एंड ही स्टूड इन द रैक इंस्टेड। अब उसने क्या किया है ना, अच्छा एक बात बताओ, जो वॉकिंग स्टिक क्या होता है, जो टहलने के लिए हम लोग जो डंडा इस्तेमाल करते हैं उसको वॉकिंग स्टिक कहते हैं, जैसे आपने अपने दादाजी वगैरह को देखा होगा। तो उसने क्या किया ना कि वॉकिंग स्टिक को रखना चाहिए था रैक में और खुद रहना चाहिए था बेड पे। तो उसने क्या किया है ना कि उसका जो वॉकिंग स्टिक उसको रखा है बेड पे और खुद जो है वो जाकर बैठ गया रैक में। अब रखना क्या चाहिए था उसको? रैक में रखना चाहिए था अपना क्या कहते हैं वॉकिंग स्टिक, और उसको खुद बैठना चाहिए था पलंग पे। तो उसने उल्टा किया, उसने क्या किया ना कि जो वॉकिंग स्टिक है उसको पलंग पे रख दिया और खुद कहाँ जाके बैठ गया? रैक में जाके बैठ गया। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कन्फ्यूज है। अगर आप लोग में से कोई ऐसा ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देखो, घर में किसी ना किसी से जरूर डांट लगेगा। व्हाट अ मडल हेड वॉज ही दैट मैन हु लिव्ड इन पेटोस्की। अब कह रहा है कि फिर से कहा जा रहा है कि कितना वो मडल हेड था, कितना वो बेवकूफ था, जो कहाँ कराने वाला था? पेटोस्की कराने वाला था। अब इसके हम लोग थोड़े से राइमिंग स्टेंजा को देखेंगे। व्हाट डू मीन बाई राइमिंग स्टेंजा? राइमिंग स्टेंजा वो होता है ना जिसके लास्ट वाले वर्ड, एक सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड जो है अगले सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड से क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पेटुस्की और बी दोनों का साउंड के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्लॉथ्स टोज एक जैसा साउंड है। हास्ट वेस्ट दोनों का साउंड एक जैसा है। ही पेटुस्की फिर से देखो साउंड एक जैसा है। अबाउट आउट सेड हेड, तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम कहते हैं। और वर्ड को सॉरी ऐसे चीजें जहां पे फॉलो होता है उसको राइमिंग स्कीम कहते हैं, और जो राइमिंग स्कीम में वर्ड शामिल होते हैं उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं, और जो ये फोर लाइन को मिला के एक स्टेंजा बना ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइमिंग स्टेंजा कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्टेंजा है उसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड है, तो क्लॉथ्स और टोज, हास्ट और वेस्ट दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है। बात समझ में आ गया। और अगर पूछा जाए ना कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप देखोगे तो इसका और इसका जो साउंड है वो एक जैसा है। तो अगर हम इसको ए बोले और इसको भी बी बोले, सॉरी अगर इसको हम ए बोले तो इसका जो साउंड है टोस को भी सेम साउंड है, तो ये भी मेरा ए हो जाएगा। और हेस्ट को अगर हम बी बोले तो वेस्ट का भी साउंड सेम है, तो ये भी बी हो जाएगा। एक बार फिर से समझो कि जिन दो वर्ड का साउंड सेम होता है उनको सेम नाम देते हैं, और जहां से साउंड डिफरेंट होगा उनको डिफरेंट नाम देंगे। देखो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो राइमिंग वर्ड है ना वो होता है जिसका जो साउंड है वो एक जैसा होता है, और जब स्कीम की बात की जाती है तो हम लोग पूरा का पूरा एक स्टेंजा लेके चलते हैं। तो अगर इस स्टेंजा में देखा जाए तो क्लॉथ्स और टोज इन दोनों का साउंड क्या है, एक जैसा है। तो अगर हम क्लॉथ्स को ए मान लें तो टोज भी मेरा क्या हो जाएगा, ए। अब हेस्ट की जो साउंड उसके लास्ट में तो टी आता है, और टी और एस में तो डिफरेंट है, इसलिए ये तो मेरा ए होगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी। तो जब मेरा हेस्ट बी होगा तो वेस्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, बी। तो इस स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम होगा वो क्या होगा, ए ए बी बी। तो आई होप कि आपको जो है वो राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। एंड आई ऑल्सो होप दैट द पार्ट आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। इसके अगले पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।